रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं अनामिका। तेजस्वी यादव पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधा है। जनरली देखा जाता है तो सुशील कुमार मोदी ट्वीट करके निशाना साधते हैं विपक्षी पर। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के तेजस्वी के गांधी मूर्ति के नीचे धरना दिए जाने को लेकर के हमला बोला है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से ट्वीट कर लिखा है कि राजद के 15 साल के राज में दलितों के सामूहिक संहार, फिरौती के लिए यानी कि किडनैपिंग के लिए 17,000 लोगों का किडनैपिंग और पंचायत से संसद तक के लिए हुए कुल 9 चुनावों में 641 मर्डर हुए, लेकिन तब उन्हें गांधी जी के सिद्धांत याद नहीं आए। लालू राबड़ी राज में गांधी ही नहीं, जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर तक अनेक महापुरुषों के आदर्शों को पूरी तरीके से रौंद दिया गया, उस पर चढ़ करके संपत्ति बनाई गई और वंशवादी राजनीति को मजबूत किया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि आज उनके मन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देने का विचार आ रहा है। वो सत्ता में रहते हुए गांधी को बहुत पहले भूल चुके हैं। गांधीवाद से उन्हें यदि सचमुच कोई लगा होता तो माओ लेनिन के हिंसक सिद्धांतों में भरोसा रखने वाले वाम दलों से वो गठबंधन नहीं करते। सुशील मोदी ने एक और दूसरे ट्वीट में लिखा है कि लालू प्रसाद ने नोटबंदी और जीएसटी का विरोध किया, लेकिन संसदीय चुनाव में गरीबों ने उन्हें खारिज कर दिया। उनकी पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति के चलते नागरिकता कानून के खिलाफ भ्रम फैलाने वालों का भी साथ दिया। इन सब के बावजूद सीमांचल में उन्हें निराशा मिली। अब राजद और कांग्रेस वाम दल कृषि कानून पर भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि एनडीए सरकार ने कुछ फसलों की एमएसपी 2.5 गुना बढ़ा करके इस व्यवस्था को मजबूत किया, जबकि विपक्षी इसके खत्म होने का झूठ प्रचारित कर रहा है। उनका झूठ जो है वो फिर से बेनकाब होगा। बता दें कि तेजस्वी ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने को लेकर के लॉजिक दिया था कि गांधी जी के जो विचार है उनसे जुड़ा हुआ मसला है। उन्होंने कहा था कि गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया है। नील की खेती और अंग्रेज वाली जो पहले की जो शासनकाल थी वो वापस से फिर से वैसे ही कुछ हो रहा है और अब सबको मजदूर बना दिया जाएगा। तो इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं और वापस से पक्ष विपक्ष का एक बार हमला जो है वो तेज हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिको को दीजिए इजाजत।